मम्मा कौन हो मुझे दी गाड़ी मुझे चल जी अपडिस करी जी गाड़ी तो वहां से ये जो कारपेट है ना वो निकाल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही गंदा हो गया है। मतलब जिस दिन भी मैं साफ कर देती हूँ उसके एक दो दिन के बाद वो गंदा हो ही जाता है, इसलिए मैंने सोचा है कि वो निकाल दूँ पूरा। देखती हूँ, ये पूरा मैंने निकाल के रखा है, पूरा सामान भर गया है घर में। देखती हूँ कुछ मतलब निकाल दूँगी जिससे खाली खाली लगे, बच्चे खेल सके आराम से, वही ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं क्या होता है लास्ट में। इतने मेहनत से मैंने इसे उठाया है, मतलब बहुत ही भारी है ये। ये राज के पापा आएंगे तो वो घर पे लेके रखेंगे, मैं नहीं उठा सकती इसे। तो चलिए घर पूरा साफ हो गया है, दिखाती हूँ आपको फिर से। तो लग रहा है ना पूरा रमादान वाला घर भी लग रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो राज के पापा चले गए हैं आफ्टरनून शिफ्ट और बच्चे सो गए थे, तब मैं थोड़ा काम ख़त्म कर दिया, मेरा जो साफ़ सफाई का काम था वो ख़त्म कर दिया है मैंने। और अभी बच्चे उठ गए हैं और खाना खा के अपना टीवी एंजॉय कर रहे, कार्टून देख रहे थोड़ा। और राज की कल छुट्टी है, कल और परसों दो दिन छुट्टी है, तो आज इतने जल्दी सोएगा भी नहीं, थोड़ा खेलेगा। और राज के पापा जब तक नहीं आएंगे तब तक तो वो सोएगा नहीं। राज के पापा आने में 11 बज जाएंगे,
तो चलो वो तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं थोड़ा जा रही हूँ अभी पास्ता बनाने के लिए, पास्ता थोड़ा खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया पास्ता नहीं खाया हमने, तो मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे और राज के पापा के लिए भी थोड़ा बना लूँगी, तो सब खा लेंगे पास्ता, तो चलिए थोड़ा पास्ता बना लेती हूँ। तो चलिए हम अभी पास्ता उबाल लेते हैं। तो पास्ता उबालने के लिए मैंने थोड़ी पानी ले लिया है और उसमें थोड़ी नमक और ऑयल डाली है, तो चलिए अभी पास्ता डाल लेते हैं। तो पास्ता को सिर्फ 70% ही कुक करना। देखिए मैं जब काट रही हूँ इसे पूरा नहीं काट रहा, ये हल्का सा बीच में बचा हुआ है पकने के लिए, और ऐसे ही कुक करना। तो पास्ता को मैंने एक छन्नी में निकाल दिया है, तो अब एक पैन ले लेते हैं, उसमें थोड़ी बटर डाली है मैंने और कुछ गार्लिक को मैंने बारीक काट के रखा था वो डाल दूंगी। देन उसके बाद एक बड़े से प्याज को मैंने बड़े बड़े साइज में काटा है, तो इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे अभी। देन जाएगा हमारा सब्जी, जो मैंने कैप्सिकम और गाजर को बारीक काट के रखा है वो डाल दूंगी, आपके पास ब्रोकली हो तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद जाएगा हमारा थोड़ा कॉर्न जाएगा, जो मैंने थोड़ी उबाल के रखी थी वो डालूंगी। मुझे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, तो मैं बहुत सारे वेजिटेबल डालती हूँ, और ऑलिव ख़त्म हो गए हैं वरना ऑलिव भी डालती। यहाँ पे थोड़ी नमक डाल रही हूँ अभी इसमें। तो वेजिटेबल मैंने निकाल दिया है, उसी पैन को थोड़ा साफ करके उसी में 3 चम्मच मैंने बटर डाला है, जितना चम्मच बटर डाला है मैंने उतना चम्मच मैं उसमें मैदा डालूंगी 3 चम्मच, और इसे हल्के हल्के आंच में फ्राई करना है, बिल्कुल भी तेज मत करना क्योंकि ये जल जाएगा। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए ना ये मैदा, उसके बाद आप दूध उबाल के रखना, उसको थोड़ी थोड़ी डालना। ये थोड़ा बनाने में मुश्किल होता है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है, जब व्हाइट सॉस पास्ता के जो व्हाइट सॉस होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, पर बनाने में थोड़ी मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फेंटना, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होंगे ना तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुँह में लगेगा जब इसका दाना दाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं हाथ बहुत तेज़ी से चला रही हूँ और मैंने कैमरा भी थोड़ा स्पीड किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे हम। तो सॉस हमारा लगभग पक ही गया है, अब हम डाल लेंगे थोड़ी चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर और नमक, थोड़ी मैंने 1 चम्मच में रखी थी वो डाल दिया है, और अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमारा जाएगा ओरिगानो, ओरिगानो डालना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि पास्ता में ओरिगानो बहुत ज़रूरी होता है, और ये पास के मार्केट में भी ईजिली मिल जाता है आपको। तो चलिए अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ कि हमारा सॉस अच्छे से पका है कि नहीं, वो टेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद सारा वेजिटेबल जाएगा हमारा, और हमने जो पास्ता जो उबाल के रखी थी वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो लास्ट में मैं क्या करती हूँ, थोड़ी मंजरेला चीज़ जो होता है वो डालती हूँ, पर मेरे पास मंजरेला चीज़ था ही नहीं, मेरे पास जो क्यूब वाले लंबे वाले जो चीज़ आते हैं वो था, तो मैंने वो डाल दिया है। कोई बात नहीं, वो गर्म में पिघल जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी मैं वही डाल रही हूँ। तो देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है, अब मैं एक प्लेट में ले लेती हूँ, थोड़ा टेस्ट करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यूली विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।